भाई आप सब लोगों को आज की राम राम। तो आप सब लोगों को सबसे पहले हैप्पी करवा चौथ। तो मेरी शुरुआत हुई थी भाई विनोद जी के मांग भरने से। मैंने बोला था मेरी मांग भर दो, तो इन्होंने बोला मैं करूं। मैंने कहा आप करोगे। हेलो जी, राम राम जी। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई ये देख लो, मैं हो चुकी हूँ रेडी फुल शॉपिंग का। ये जो भी सामान का भाई मैं वो नहीं दिखा पाई, कल मुझे याद ही नहीं रहा मेहंदी वाले ब्लॉग में डालने के लिए, बिल्कुल भी याद नहीं रहा। और ये बच्चे खाना खा रहे हैं, विनोद जी बैठे हैं, और अभी मेरा सूट दिखाएगी आपको मुक्को। तो किसी ने तो गैस नहीं किया, लेकिन ये पर्पल यहाँ से ये मैच है भाई, ठीक है ना। तो यही थी भाई मेरी शॉपिंग। ये था मेरा सूट जो विनोद जी कह रहे एक प्रोटीन का डब्बा खा गई, एक प्रोटीन का डब्बा खा गई। तो हाँ तो। नहीं यार, कितने का था आपका प्रोटीन? अच्छा प्रोटीन साफ। हाँ तो बस, तो फिर एक ही हुआ। तो इतना महंगा, ये कोई 14-15 हज़ार का सूट थोड़ी है, और वो भी कपड़ा और स्टिचिंग मिला के है भाई। कभी आप ये सोचो कि सिर्फ कपड़ा इतने का नहीं, दोनों चीज़ मिला के एक प्रोटीन का डब्बा। तो भाई ये है देखो मेरा करवा चौथ का फुल सूट। भाई ये जो जैसे बैक में डिजाइन है या ये बाजू पे और पैंट पे, ये मैं भाई अपने डिजाइन वगैरह जो भाई मैं खुद से बताती हूँ। ये फ्रंट में और वर्क देखो भाई कितने बारीक है, बटन के ऊपर। ये बुटीक पे काम होता है इस तरह से। हाँ, ये बुटीक पे काम होता है, ये इस तरह से चुनरी ये देखो, तो इस तरह से। अरे ये देखो यहाँ बीच बीच में ये गैप क्या है। और पैंट ये भाई धोती स्टाइल पैंट है, ये धोती है ये। हाँ। मैं को ये वाली ज्यादा अच्छी लगी, हाथी वाली। और ये चूड़ियाँ, अरे जिसे दिखाओ ये हिलने लग ले अच्छे लग गए। और ये देखो कैसे एयरिंग्स पहने हैं, मम्मी ने इंडिया गेट बन रखे हैं इन पे। भाई हम लोगों में मैंने क्या आपको जैसे कि बताया कि भाई सुबह 11-12 बजे तक जो है वो कथा कर लेते हैं। और भाई हम लोगों में ये होता है कि कोई बामणी या कोई नहीं आता है, मतलब भाई मैं तो जब से आई हूँ तो खुद से ही पढ़ती हूँ, साथ में माँ जी बैठ जाती है। भाई अब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे भी बैठ जाते हैं, पहले तो रिक्की भी बैठ जाता था लेकिन अब रिक्की नहीं बैठता है। तो भाई यहाँ मैं कर रही थी अपनी करवा चौथ की कथा, और साथ में भाई मुक्कू है और माँ जी बैठी हुई हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं। हम ऊपर आए पूजर वाला झालू, और अब आ गया ऊपर। चलो भाई, चाहे आपका व्रत हो चाहे कोई भी चीज़ हो, लेकिन घर का काम किसी व्रत को या उसको नहीं जानता है भाई। वो आपको अपने आप से ही अपने घर का जो काम है वो मैनेज कर ले करना पड़ता है भाई। तो पहले बच्चों ने खाना वाना जैसे कि खिलाया गया था पूजा करने से पहले उन सबको, तो उसके बाद भाई जो है मैंने किचन वगैरह जो है वो आज साफ़ की थी, बर्तन वगैरह जो है वो बहुत सारे हो गए थे तो इकट्ठे करके रख दिए थे। तो सबसे पहले मैंने जो है भाई मैंने आप लोगों को बताया कि पहले काउंटर टॉप को पे जितने भी बर्तन वगैरह थे टोकरे में धुले हुए थे उन सबको उनकी जगह पे रखा, और थोड़ा सा स्लेब पे कपड़ा मारा, और उसके बाद चली भाई मैं अपनी चाय बनाने के लिए। चाय बनेंगे है ना, चलिए
चाय बना लेते हैं अपने लिए। भाई ये है आउटफिट नंबर 2, यानी कि दूसरा सूट। आप लोगों को बताया था कि 2 सूट बनवाए हैं, तो ये दूसरा है। वो थोड़ा सा हैवी था तो वो थोड़ी देर के लिए पहना और फिर निकलवा दिया। और ये इसकी बनवाई थी भाई ट्यूलिप पैंट, जो आजकल चलन में है, तो हम भी वही बनवा लेते हैं जो चलन में है। तो ये है मेरा सेकेंड लुक यानी करवा चौथ का है भाई। अभी टाइम हो रखा है शाम के 6 बजे का, तो इसका मतलब टाइम हो चुका है भाई किचन में जाने का। दिन में थोड़ी बहुत देर रेस्ट कर लिया भाई, चाय पानी पी लिया था, और अब अपना किचन में जाऊंगी। बच्चों से पूछूंगी क्या खाएंगे, तो वही सब मैं बनाऊंगी। कोई मैसेज आ रहा था, वो देख रही थी। तो खाना बन जाएगा जब दिखाएंगे। आज वैसे मैं कुकिंग कम दिखाऊंगी, जो खाने में बनेगा वो ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन कुकिंग जो है वो कम दिखाऊंगी, क्योंकि भाई उसमें ज़्यादा फिर टाइम लगता है। और अब मैं बनाऊंगी थोड़ा जल्दी जल्दी, 8 बजे तक खाना वाना तैयार कर दूंगी और बच्चों को खिला देंगे। उसके बाद भाई मैं अपना बना के रख लूँगी और फिर खा लूँगी। और आप लोग बताना भाई ये वाला सूट ज़्यादा अच्छा लगा या वो वाला। मुझे दोनों अच्छे लगे। हाँ, ये वाला भी अच्छा लगा क्योंकि इसका डार्क कलर है, वो बहुत लाइट कलर में था, ये डार्क कलर में था। दोनों ही सूट अपने अपने जगह पे, दोनों ही सूट अच्छे हैं भाई। ये कंफर्टेबल, इसको पूरा दिन उसको भी पहन सकते थे, लाइट वेट है वो भी, ज़्यादा हैवी तो नहीं है। पर ये मतलब उस टाइप से बनवाया कि बैठने उठने में कंफर्टेबल हो, तो ये पूरे दिन के लिए सही है भाई, पहन सकते हो आप लोग। मुकू ने भी अपनी ड्रेस चेंज कर लिया है, मुकू ने आज जीन्स डाल लिया। दिखा बेटू खड़े हो गए। और इसकी टी शर्ट है वो मेरे जैसे, उसकी मतलब सूट के कलर की है, और जीन्स में बेटी ने आज पूरा दिन से, नहीं तो आप लोग देखते हो निकर में ही घूमती रहती है। और मेरी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस का क्रेडिट जाता है मुक्कू को, मुक्कू गहलोत। 1 वीडियो बनाती है भाई मेरी, फ़ोटोज़ बहुत ज़बरदस्त खींचती है। 1 घंटा कंप्लेंट कर रही है भाई आप लोगों को, देख लो। और तूने उस बीच जो 2 घंटे मैंने चाय पानी पिया और 1 घंटे का जो मैंने रेस्ट किया, वो भी तो बताना कि मम्मी बीच में चाय पानी के लिए 1 घंटे नीचे ही थी फिर। नहीं, पापा से पूछ ले, 2 बार कपड़े चेंज किया, 1 बार तो मैंने लोअर टी शर्ट ही पहन लिया था, फिर तूने फ़ोन किया तो ये वाला सूट पहन के फिर तेरे पास ऊपर आई थी, यही था ना। गर्मी नहीं है अब सबको पता है, और ऊपर तो बिल्कुल नहीं होगी, फ़ैन वगैरह रूम वगैरह है। जब आप लोग ऊपर जाएंगे तो आप लोगों का रूम, आपको ऊपर का रूम दिखाएंगे। अब वो हमने बैठने उठने लायक बढ़िया कर दिया है, तो आराम से बैठ सकते हैं वहाँ पे। अच्छा ठीक है, थैंक यू उसके लिए, थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद आपका। दिल से धन्यवाद है भाई मुक्कू का, जो इसने मेरा फोटो शूट किया भाई। इसके बिना मेरा काम नहीं चलता, यही है, नहीं तो घर में ना तो कोई वीडियो बनाता ना कोई फोटो खींचता। यही है मेरा पार्टनर जो हर जगह मेरे साथ जाती है भाई, मॉल हो, बाजार हो, कहीं पे भी हो। देखो लड़कियां आपकी पहली फ्रेंड बन जाती हैं, तो ये मेरी फ्रेंड बन चुकी है। बस इसके पीठ में हाथ लगा दो, इसको खुजली स्टार्ट हो जाती है, पीठ में खुजली करवाती है, बताओ ये। और कल मेरी मुक्कू क्या बनेगी देखा आपने ड्रेस में, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया, इसी ब्लॉग में देखोगे आप लोग। ये देख भाई खाना, मटर पनीर, रायता, आलू गोभी, और साथ में बनाऊंगी भाई पूरी, और अब बच्चों को खिलाऊंगी। सबसे पहले वीडियो आपको दिखा दिया क्या क्या खाने में बनाया है, तो यही सब है। शक्ल देख लो ऐसी हो जाती है, कोई बात नहीं, जैसे जैसे चाँद निकलने का टाइम आ रहा है वैसे वैसे हम डल रहे हैं, कोई नहीं। और 1 घंटे की बात रह गई है, फिर अपना व्रत खोल लेंगे भाई। तो जब तक बच्चों को खिलाते हैं, और मैं विनोद जी को भी कह रही हूँ कि साथ साथ आप भी खा लो, फिर बाद में मैं खा लूँगी भाई। ऊपर छत से दिखेगा वो तो वही है ना। हाँ, टंकी के पीछे है, वहाँ वहाँ पीछे। हाँ व्लॉग बना रहा हूँ। हाँ पापा।
मम्मी खा के आ देख के व्रत अपना जो है वो खोल लिया। हरी भी आई खाना कपड़े वपड़े चेंज कर लिया, रिलैक्स हो गई। और रायता, आलू गोभी की सब्जी, मटर पनीर जो आपको दिखाई थी, पूरी और सलाद सब मैं खा लिया। एक मैं रेडी बैठ में भी खा लूँ। आप लोग भी अपना व्रत खोल लो। सब ने किसने खा लिया? मैंने थोड़ी खाया। नहीं आपने नहीं खाया? मैं तो तेरी गल खाऊंगा। हाँ कोई ना, आप तो साथ में खाऊंगा। तो भाई आज सुबह टाइम 11:30 और बिल्कुल रिलैक्स होके बैठी हुई हूँ। कोई टेंशन, कोई काम नहीं, कोई साफ़ सफाई नहीं है। साफ़ सफाई इसीलिए पहले ख़त्म की थी कि त्योहारों के टाइम पे बिल्कुल रिलैक्स आराम से उठी थी। काम वाम ख़त्म कर लिया है, नाना बचता है, अभी नहाऊंगी और कल रात को भी व्लॉग एंड करना नहीं व्लॉग एंड नहीं कर पाई। अगर आप लोगों ने मेरा पूरा व्लॉग देखा है तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर बताना। ये था मेरे करवा चौथ का व्लॉग जो आप लोग देखेंगे यूट्यूब पर आने के बाद, सेकेंड करवा चौथ। और वैसे 21 साल हो गए भाई, तो ज़रूर बताना कैसे मेरे सूट लगे वो ज़रूर बताना। और खूब सारी ब्लेसिंग देना कि भाई मैं अपने व्रत इसी तरह से रखती रहूं और आप लोग भी अपने व्रत इसी तरह से रखते रहें। तो आप सब लोगों को हैप्पी करवा चौथ नेक्स्ट ईयर के लिए। तो तब तक के लिए राम राम जी। मेन बात करना तो मैं भूल ही गई, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।